एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रोशिया की एक न्यू डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसे आप कार्डिगन बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, या बच्चों के स्वेटर वगैरह में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। तो चलिए सबसे पहले हम चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 30 की चेन बना ली है, आप अपने हिसाब से चेन रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 3 चेन और बनाएंगे, 3 एक्स्ट्रा चेन इसमें बनाएंगे हम इस तरीके से, 1, 2 एंड 3। और 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पे मेरा अंगूठा रखा था, यहाँ पे 3rd वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 2nd वाले में डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारी एक चेन जो थी वो एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, उसके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस पूरी चेन को हम डबल क्रोशिया बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये मैंने पूरी चेन डबल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पे हमें इसे पलट लेना है, और पलट करके यहाँ पे हमें बनानी है 3 चेन। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम इसे पलट लेते हैं साइड से। अब यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, इसके नेक्स्ट वाले चेन के अंदर ये डबल क्रोशिया बना ली, इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में, यानी कि 3 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली है इस तरीके से। अब एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले चेन को छोड़ देंगे, इस वाली चेन को छोड़ेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हमें एक पफ बनाना है। तो इस तरीके से आपको इसे खींच करके रखना है थोड़ा सा। हम 4 राउंड लेंगे पफ बनाने के लिए, आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, 5 राउंड भी ले सकते हैं पफ बनाने के लिए। और एक साथ सारे फंदों को निकाल देंगे इस तरीके से, और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये क्लोज़ कर दिया। अब इसी चेन के अंदर हमें एक और पफ बनाना है, तो पफ को थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, जो धागा रखेंगे वो खींच करके रखेंगे बड़ा इस तरीके से। तो 4 राउंड लेने हैं, और इसको इस तरीके से क्लोज़ करना है। यहाँ पे हम इसे क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेनी है, एक चेन के बाद हम ये नेक्स्ट वाला चेन छोड़ देंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन छोड़नी है, एक चेन छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया 2nd वाले में, 3rd वाले में डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे हम, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक चेन लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया डिज़ाइन। यहाँ पे हमें एक चेन और लेना है, ये देखिए एक चेन लिया। इसके बाद एक लूप एक चेन छोड़ेंगे, और नेक्स्ट वाली में पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहले एक पफ बनाना है, 4 राउंड लेंगे, धागे को थोड़ा सा खींच के रखना है, और यहाँ पे हमने 4 राउंड ले लिया। अब इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करेंगे, और उसी सेम चेन के अंदर एक और पफ बनाएंगे। पफ बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा धागे को आपको खींच के रखना पड़ेगा इस तरीके से। इसको क्लोज़ करेंगे और एक चेन लेंगे, एक चेन बना लेंगे। चेन के बाद नेक्स्ट वाले चेन को छोड़ना है, उसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन को छोड़ देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वाली में हम बना लेंगे पफ। तो यहाँ पे देखिए एक चेन छोड़ दी हमने, इसमें पफ बनाना है। तो इस तरीके से इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये वाली पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम पलट लेते हैं और बनाते हैं 3 चेन, 1, 2 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। ये जो हमारी चेन होती है ये एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होती है, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली, और इस वाले लूप में जो हमने पफ बनाए थे, तो उसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर ही हमें बनाना है एक पफ। तो इस तरीके से पफ बनाना है, एक पफ बनाएंगे, पहले 4 राउंड लेंगे, और 4 राउंड लेने के बाद इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे इसको, और दूसरा पफ बना लेंगे सेम चेन के अंदर। एक और पफ बनाना है यहीं पे, इसको भी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमें एक चेन लेनी है। ये देखिए इसको क्लोज़ कर दिया, और अब हमने एक चेन ले ली, और यहाँ पे एक लूप छोड़ना है, नेक्स्ट वाले में हमने बनानी है डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाना है आपको।
इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे एक चेन लेनी है, यहाँ पे ले ली हमने एक चेन। और अब ये जो हमने पफ बनाए थे इसके बीच में जो स्पेस है, इसी के अंदर हमें दो पफ बनाने हैं। इसी तरीके से ये डिज़ाइन रिपीट होगा और इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक पफ और बना लेंगे, पफ बनाने के बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन को छोड़ के उसके बाद वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ही इसे कंप्लीट करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है और ये देखिए हमारे पफ बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। तो पूरे में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हमें नेक्स्ट बनाना है, तो इसको पलट लेंगे और तीन चेन बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही हम इसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बना लिया है इसे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे चार रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगता है। आप इसे किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आप इसे कैप में डाल सकते हैं, कार्डिगन बना रहे हैं उसमें, बच्चों के जैकेट बना रहे हैं उसमें बना सकते हैं। आप इसे अगर आप ग्लव्स बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।